गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लीनियर हाई ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, अभी हमने जो वीडियो आपको शेयर किया है वहां हमने क्या किया था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सीएफ निकालना सीखा था। नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के साथ हमको पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना होता है, क्योंकि इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हमको जितनी भी मिलेगी उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल के सम के इक्वल होता है। मतलब द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सीख लिया है, उसका वीडियो मैंने आपको शेयर किया है। अब हम सीखेंगे यहाँ पर कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना हमको सीखना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम पी आई से डिनोट करेंगे और इट इज डिपेंड्स ऑन राइट हैंड साइड टर्म्स। राइट हैंड साइड टर्म्स में जिस भी टाइप के फंक्शन होंगे उसी टाइप से हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल का कंडीशन चेंज होगा। जैसे हमको मालूम, हम जब इक्वेशन लिखेंगे तो हमको राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल वाला टर्म्स मिलेगा या फिर साइन और कॉस वाला टर्म्स मिलेगा या फिर एल्जेब्रिक टर्म्स मिलेगा। अब ये दोनों कंबाइन होने के बाद एक्सपोनेंशियल एंड एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक के साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स या फिर एक्सपोनेंशियल के साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स या फिर एक्स एल्जेब्रिक एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, इस टाइप के फंक्शन हमको राइट हैंड साइड में मिलेंगे। और हर टाइप का, हर फंक्शन के लिए एक अलग तरीके से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहले एक सिंपल और जनरल कंडीशन होता है हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए, वन अपॉन फंक्शन ऑफ डी माइनस अल्फा और राइट हैंड साइड। क्यू, क्यू जो हमने लिखा है इस राइट हैंड साइड, ये जो क्यू है ये जो राइट हैंड साइड में नंबर है इसको हमने क्यू से डिनोट किया है। तो वन अपॉन डी माइनस अल्फा इंटू क्यू इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, e टू दी पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू क्यू डी एक्स, मतलब ये इस वाले फंक्शन का जो है रिमेनिंग टर्म्स इंटीग्रेशन होगा, राइट। तो दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ इफ राइट हैंड साइड क्यू, क्लियर। क्यू मीन्स कोई भी फंक्शन हो सकता है, क्यू मतलब इसमें से कोई भी फंक्शन होगा तो ये जनरल टर्म्स का यूज करेंगे, ठीक है। अब एक शॉर्ट, जो हम शॉर्ट टेक्स्ट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो क्या, वन अपॉन फंक्शन ऑफ डी, वन अपॉन फंक्शन ऑफ डी जो क्वेश्चन में यूज करेंगे कंडीशन, उस कंडीशन का यहाँ पे यूज करते हैं, वन अपॉन फंक्शन ऑफ डी ई टू दी पावर एक्स। इफ राइट हैंड साइड में अगर ई टू दी पावर एक्स, अब ये फिक्स कंडीशन है, ये जनरल कंडीशन है, राइट हैंड साइड में से कोई भी टर्म्स होगी इस कंडीशन का यूज करके हम सॉल्व कर लेंगे, राइट। अभी हम क्या करेंगे, सारी अलग अलग कंडीशन को कैसे सॉल्व करने ये देखना है। तो वन अपॉन फंक्शन ऑफ डी ई टू दी पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल टर्म्स है अगर राइट हैंड साइड में, तो इसको सॉल्व करने का प्रोसेस रहेगा कि वन अपॉन फंक्शन ऑफ ए, ये जो डी है इस डी को ए फंक्शन रिप्लेस करेगा, तो वन अपॉन फंक्शन ऑफ ए इंटू ई पावर एक्स, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल इस टाइप से निकालेंगे, बट यहाँ पर कंडीशन होगा, एक कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा कि फंक्शन ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, कि फंक्शन ऑफ ए जीरो नहीं होगा। मतलब ये है कि डी को अगर ए रिप्लेस कर रहा है तो इस पूरे फंक्शन को सिंप्लीफाई करके कहो इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ओके। तो ये जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर इफ इफ फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू जीरो, तब हम ये वाला कंडीशन जो हमने न्यू के लिए फर्स्ट कंडीशन जनरल लिखा है इसका हम यहाँ पर यूज कर सकेंगे, क्लियर। मतलब ये है कि एक्सपोनेंशियल वाली कंडीशन है, वन अपॉन फंक्शन ऑफ डी ई टू द पावर एक्स में डी इज रिप्लेस्ड बाय ए, देन इफ एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो देन इट इज द आंसर, एंड इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो तब इसको क्या करेंगे, जो हमने जनरल कंडीशन ऊपर लिखा है इसका यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल वाली टर्म्स के लिए हमने कंडीशन बनाया है, ठीक है। अब इसी इस कंडीशन के लिए आपको एक एग्जांपल पहले बताएंगे, फिर बाद में सेकंड कंडीशन पर चलेंगे, ओके।
देखिए एग्जाम्पल नंबर वन, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस फाइव डी वाई बाय डी एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल टू ई टू दी पावर फोर एक्स। अब ये क्वेश्चन लिखा है, पूरे कंप्लीट सॉल्व करना है क्वेश्चन को, तो यहाँ पर हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई दोनों फाइंड करना होगा, तब ये कंप्लीट सॉल्व होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की सारी कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई हुई है, राइट। तो देखिए स्टार्टिंग कैसे करेंगे, इनिशियली डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिख लेंगे कैपिटल डी, सो डी स्क्वायर माइनस फाइव डी प्लस सिक्स वाई कॉमन इक्वल टू ई टू दी पावर फोर एक्स। ओके, सो फाइंड नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन, और हमने आपको यह भी बताया कि ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करने के लिए d को रिप्लेस करेंगे m से, m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 और राइट हैंड साइड करेंगे 0। तो दिस इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन और इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सिंपल तरीके से फैक्टराइज करके हम रूट्स फाइंड करेंगे, ठीक है। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए यहां पर इस इक्वेशन के रूट्स भी 2 ही होंगे, तो 2 रूट्स हमको फाइंड करना है। पहले हम इसको स्प्लिट करेंगे, यहाँ पर हमको टू रूट्स मिलते हैं, पहला रूट से n इक्वल टू 3 और सेकंड रूट n इक्वल टू 2, तो दे आर टू डिफरेंट रूट्स, और डिफरेंट रूट्स की कंडीशन के अकॉर्डिंग वी कैन राइट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू c1 e टू दी पावर 3x प्लस c2 e टू दी पावर 2x। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री की कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम सॉल्व कर रहे हैं, ओनली लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स का यूज हुआ है, राइट हैंड साइड का अभी हमने कुछ भी यूज नहीं किया। नाउ फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो फॉर पर्टिकुलर इंटीगल कंडीशन क्या पढ़ा था हमने कंडीशन पढ़ा था कि वन अपॉन फंक्शन ऑफ डी और साथ में राइट हैंड साइड वाला एक्सपोनेंशियल टर्म्स। तो वन अपॉन फंक्शन ऑफ डी, फंक्शन ऑफ डी हमको गिवन है डी स्क्वायर माइनस फाइव डी प्लस सिक्स, लिखा हमने डी स्क्वायर माइनस फाइव डी प्लस सिक्स और राइट हैंड साइड ई टू दी पावर फोर एक्स। हमने जो कंडीशन पढ़ा उसके अकॉर्डिंग डी को रिप्लेस करना है ए से, डी को ए से रिप्लेस करना है, ए मीन्स यहाँ पर ई टू दी पावर फोर है, फोर मतलब डी को रिप्लेस करेंगे फोर से, तो डी को रिप्लेस फोर से करेंगे तो ये क्या बनेगा फोर स्क्वायर माइनस फाइव इंटू फोर प्लस 6 e to the power 4x। कैलकुलेशन करेंगे 4 4 का 16, 16 plus 6 22 minus 22, this is 1 upon 2 e to the power 4x। this is a particular integral of this question। okay, अब तो इस question का हमने particular integral भी find कर दिया, complementary function भी find कर दिया, therefore the complete solution of the equation is equal to complementary function plus particular integral, दोनों ही सॉल्यूशंस को ऐड करेंगे, तो c1 e पावर 3x प्लस c2 e टू दी पावर 2x प्लस 1 अपॉन 2 e टू दी पावर 4x। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये हमने एक सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन सॉल्व किया है एक्सपोनेंशियल वाले टर्म्स के लिए। अभी हम एक और क्वेश्चन इसमें आपको एक और एग्जांपल बताते हैं, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, इफ वी हैव डी प्लस टू एंड डी माइनस वन वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। अभी देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है, क्वेश्चन में चेंज क्या है, ये ऑलरेडी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डी फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको डी वाई डी एक्स को डी नहीं रखा, इट इज ऑल्सो डी और इसका मीनिंग ही होता है इट इज डी वाई अपॉन डी एक्स। डायरेक्टली हम यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेंगे। Now the auxiliary equation of this equation, auxiliary equation बनाने के लिए d is replaced by m, so this is m plus 2
m माइनस वन इक्वल टू जीरो। और यहाँ पर हमको क्वाड्रेटिक भी नहीं है, फैक्टर्स भी ऑलरेडी बने हुए, बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है, तो हम डायरेक्टली इसमें आंसर फाइंड कर सकते हैं n इक्वल टू टू एंड n इक्वल टू वन। देर डिफरेंट रूट्स, यहाँ पर भी डिफरेंट रूट्स है, सो हम लिखेंगे सी एफ इज इक्वल टू सी वन ई टू दी पावर माइनस टू एक्स प्लस सी टू ई टू दी पावर एक्स। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने फाइंड किया है। अब सेम जैसे हमने पहले पैटर्न यूज किया था वही यहाँ पर भी यूज करेंगे पी आई फाइंड करने के लिए। वन अपॉन फंक्शन ऑफ डी, फंक्शन ऑफ डी क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है डी प्लस टू एंड डी माइनस वन, और साथ में है यहाँ पर ई टू दी पावर एक्स। अब देखिए ई टू दी पावर एक्स मीन्स एक्स वन, एक्स का जो कोफिशियंट है यहाँ पर वन है, तो ये डी को वन से रिप्लेस करेंगे, डी इक्वल टू हमको वन पुट करना है, तो यहाँ पर जब वन पुट करेंगे तो वन प्लस टू थ्री हो जाएगा, लेकिन जब एक इस फैक्टर में हम डी को वन पुट करेंगे तो वन माइनस वन जीरो। और हमने जो कंडीशन लिखा है कि डी इक्वल टू जब ए पुट किया था हमने जो पहले कंडीशन आपको बताई है, तो फंक्शन ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, पहले वन अपॉन डी माइनस वन, वन अपॉन डी प्लस टू ए टू दी पावर ए एक्स, पहले हम डी प्लस टू वाले टर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो ये जो वन है कोफिशिएंट, डी को वन पुट करेंगे तो वन प्लस टू कितना होगा थ्री, नाउ इट इज वन अपॉन थ्री, तो क्या बचा रिमेनिंग टर्म्स, वन अपॉन डी माइनस वन ई टू दी पावर ए एक्स, करेक्ट। यहाँ पर हम डी को वन पुट नहीं कर सकते क्योंकि वन पुट करने पर यह जीरो हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो कंडीशन हमने आपको बताया था, कौन सा कंडीशन बताया था इंटीग्रेशन के लिए, कि वन अपॉन डी माइनस अल्फा e to the power alpha x equal to, तो पहले q, तो इस वाले टर्म को हम पहले ऐसे लिखेंगे e power alpha x integration of e power minus alpha x into q and dx। जीरो के लिए हमको ये जनरल रूल का यूज करना होगा, तो जनरल रूल का यूज हम जब करेंगे तो क्या टर्म बनेगी, देखिए 1 upon 3 d minus a, यहाँ पर d माइनस अल्फा था और d माइनस वन है हमारे पास में, अल्फा मतलब अल्फा इक्वल टू वन, तो ये होगा e टू दी पावर वन एक्स और e टू दी पावर माइनस वन एक्स, e टू दी पावर वन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर माइनस वन एक्स, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ q मीन्स राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन e टू दी पावर एक्स डी एक्स, देयरफॉर 1 अपॉन 3 e पावर x, और इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन में दोनों टर्म्स का e पावर माइनस एक्स और e पावर x का मल्टीप्लाई होगा, तो इट इज इक्वल टू e पावर जीरो, e पावर x और e पावर माइनस x को इंटू करेंगे e पावर जीरो, हमको मालूम है e पावर जीरो का वैल्यू होता है वन, तो ये इंटीग्रेशन होना है, वन का इंटीग्रेशन होगा x, वन का इंटीग्रेशन x, तो पी आई वन अपॉन थ्री एक्स ई एक्स, दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल। आंसर लिखने का प्रोसीजर हमको मालूम है, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ और पी आई दोनों को ऐड करेंगे, सी एफ क्या था सी वन ई टू दी पावर माइनस टू एक्स प्लस सी टू ई टू दी पावर एक्स एंड प्लस पी आई, पी आई हमने फाइंड किया है वन अपॉन थ्री एक्स ई एक्स, पी आई हमने लिखा है वन अपॉन थ्री एक्स ई एक्स, दिस इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एक्सपोनेंशियल की दो कंडीशन होती है, एक में जीरो, एक फंक्शन एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो, सेकंड एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, दोनों के लिए मैंने आपको एक एक एग्जांपल बता दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको साइन कॉस और एल्जेब्रिक टर्म्स बताएंगे।